नमस्कार, केएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं हाल। प्लाजा पर टोल की राशि को लेकर हुए विवाद जमकर चले चाकू और डंडे। जिले के चाचूड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगीपुरा पर बने टोल प्लाजा पर सुबह हुई टोल की राशि को लेकर विवाद में जमकर चाकू चले और डंडे चले। वहीं उपस्थित टोल कर्मी ने हवाई फायरिंग की जिससे इस विवाद को संभाला जा सके। इस झगड़े में छह लोग घायल होने की खबर सामने आई है, जिसमें से चार लोगों को बैरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार टोल प्लाजा के सूत्रों ने बताया कि इंदौर से बारात की दो गाड़ियां टोल प्लाजा पर आकर रुकी, जिनका फास्टैग काम नहीं किया रहा था और जिन्हें टोल राशि अदा न करने की बात कही। इस बात को लेकर टोल कर्मी 12 से 15 लोग का विवाद हुआ। इस विवाद में गाड़ी में सवार सभी लोगों ने चाकू और टामी से टोल कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 4 की हालत नाजुक बताई जाती है। सभी हमलावर इतने बेखौफ थे कि उनको भगाने के लिए टोल प्लाजा के गार्ड ने हवाई फायरिंग की, तब कहीं जाकर हमलावर भागे। 4 घायलों को ब्यारा के पंजाबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 1 की हालत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। ब्यारा से सिटी कोतवाली क्षेत्र में मामला पंजीबद्ध किया रहा है। दोनों गाड़ियों में बारात के लोग बताए जा रहे हैं, जो कुंभ राज से किसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे। सूत्रों के अनुसार इन 12-15 हमलावरों में से 3 को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन पुलिस सूत्रों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है।